हाय गाइस, आप सब कैसे हो? मैं अपन सब ठीक हूँ। आपने देखा है, जैसे मैंने क्रिमिनल बताया था आपको कि येलो कलर की टोन फोटो के अंदर कैसे लाते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। फिर जाना है अपने को LR के अंदर। LR यानी लाइट रूम के अंदर ही जाना है और यहीं से पूरा एडिट करना है। तो मैं चलता हूँ अपने लाइट रूम के अंदर, जहाँ से मैं लाइट रूम के अंदर चला गया हूँ, और यहाँ से आल फोटो में मेरा एक फ़ोटो पड़ा है, इसी को एडिट करेंगे। यही होगा क्योंकि मैंने पहले से एड कर लिया है, और इसी के अंदर अपने को येलो कलर की टोन लेके आना है, और इसी और फेस स्मूथ लाइट रूम के अंदर ही करेंगे पूरा स्क्रीन को एकदम वाइट और एकदम स्मूथ। तो गाइस, मैं इसके अंदर चला जाता हूँ। फिलहाल फोटो तो अच्छी है, देखते हैं अभी जो कुछ होता है। लाइट को एडजस्ट करते हैं, तो मैं तो ऑटो पिक रखता हूँ हमेशा, तो ऑटो पिक क्लिक करके लाते हैं, और यहाँ से कलर के ऑप्शन पर सीधा कलर हम यूज करेंगे। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसके लेवल्स को बढ़ा लेता हूँ, सिचुएशन को बढ़ा लेता हूँ, किससे थोड़ा अलग आ जाए। तो यहाँ से मिक्स वाले टूल में जाके इसको थोड़ा सा पीछे करूँगा, हल्का सा पीछे, और सेचुरेशन को कम करूँगा, इसके लेमिनेशन को बढ़ा लेता हूँ। तो ऐसे ही रहने दूँगा, और यहाँ पर फेस वाला ऑप्शन यही है, दूसरे नंबर वाला बिल्कुल अलग। और यहाँ से इसको थोड़ा कम करेंगे, बस ठीक नहीं बोलते। और यहाँ से ये येलो वाले ऑप्शन पे जाके इसको इधर करेंगे, येलो की साइड इसके सिचुएशन को बढ़ाएंगे, हल्का सा बढ़ाएंगे, थोड़ा सा कम करेंगे, इससे क्या अपना येलो पूरा दिखने लगेगा। यहाँ से फिर इसको ऐसे इधर करेंगे, इस साइड इसके आई को पूरा इस साइड करेंगे, लेफ्ट साइड, और सेचुरेशन को बढ़ा देंगे, और लेमनेस को थोड़ी कम करेंगे। येलो कलर आ चुका है, येलो कलर की टोन फिर भी थोड़ा सही नहीं लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा इसको इधर करेंगे यहाँ पे राइट साइड, और उसके सेचुरेशन को बढ़ाएंगे, लेमनेस को थोड़ा कम करेंगे, और ये वाला ऑप्शन इसको भी थोड़ा इधर करेंगे, आई को कम करेंगे, सेचुरेशन को बढ़ाएंगे, लेमनेस को कम करेंगे, क्या कि हमारा फोटो दिखने लगा है। ये तो कुछ नहीं छेड़ने वाला, बाकी इलास्टिक है, यहाँ से डन करेंगे। उसके बाद बैक आएंगे, टेक्चर को बढ़ा लेंगे थोड़ा सा, और उसकी डिज़ाइन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, और वाइट को थोड़ा सा कम करेंगे, क्या पूरा येलो कलर आ जाएगा। और अब चलते हैं, खास जो फेस स्मूथ कर लेते हैं, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी दिखाऊंगा, जो कुछ भी दिखाना आपको फेस स्मूथ करते हैं, बस इसके लिए अपने को यहाँ पे जाना पड़ेगा। ये वाले कलर, ये लास्ट वाले खोल खोल दिख रहा है इसमें, और यहाँ से प्लस वाले पे क्लिक करके ब्रश पे क्लिक करेंगे, और ब्रश पे थोड़ा सा इसको कम करेंगे, साइज को इसको 10 पर रखेंगे, और फोटो को जूम करेंगे, कितना फटा हुआ इसमें दिख रहा है उससे। इसको ऐसे करके थोड़ा थोड़ा इसको प्रेस करेंगे, और यहाँ से इसको प्रेस को उठा के एक साइड ले जाएंगे, इस साइड रखेंगे, और अब वापस डबल से इसको प्रेस करके ऐसे करना है, ऐसे कर करके पूरे को रेड कलर डाल लेना है इसके अंदर। ये रेड कर रहा हूँ, थोड़ा सा रेड कर लेता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसके लिए थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ।
काम हो चुका है यहाँ पे, अब करना है क्वालिटी को थोड़ा कम, टेक्सचर को भी थोड़ा कम, और ये डिज़ाइन को थोड़ा बड़ा करना है। ये देखो फोटो स्मूथ नहीं होगा, अभी कितना फट रहा था चेहरा, अभी और करना है, इतना टाइम नहीं इसके लिए, थोड़ा दूसरी वीडियो में दिखाऊंगा मैं बाकी। हालांकि ये देखो पूरा हो गया है क्लियर, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, और इसे करके प्रेस कर सकते हो, वैसे जो भी करना रहेगा मैं ध्यान से इसको कर लेता हूँ।